नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और आज इस खास दिन पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, दीपिका गांधी हैं और आर्किटेक्ट फैकल्टी ऑफ चंडीगढ़ कॉलेज की हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं आर्किटेक्चर म्यूजियम ऑफ चंडीगढ़ की। दो बच्चों की माँ की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती हैं। दीपिका जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में हमसे जुड़ने के लिए। दीपिका जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। दीपिका जी, आपका सफर काफी लंबा रहा है, अभी आपने किताबें भी लिखी हैं और आप आर्किटेक्ट से जुड़ी हुई हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको आर्किटेक्ट से जुड़े रहने का ख्याल कब आया और आप अपने आप को आज कहाँ पाती हैं? मुझे आर्किटेक्ट बनने का ख्याल आया करीब जब मैं 13-14 साल की थी, क्योंकि हमारे घर में एक वो था कि या तो आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और मेरा थोड़ा रुझान क्रिएटिव चीजों की तरफ जा रहा था, जैसे आर्ट की तरफ। तो मुझे जी इंजीनियर बनने से बहुत डर लगता था और डॉक्टर बनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो जी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है अगर आर्किटेक्ट बन जाया जाए, बिकॉज क्रिएटिव फील्ड भी है, प्रैक्टिकल फील्ड भी है। पेरेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट अगेन मेरे ख्याल से जब आप किसी चीज पे मैं ये नहीं कहूंगी अड़ जाते हैं, जब आप एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और आप उनको एश्योर करते हैं कि मैं जो भी करूंगी अपने बलबूते पे करूंगी और अच्छा ही करूंगी, तो अगर उनको आप पे कॉन्फिडेंस होता है, तो मेरे ख्याल से वही हुआ कि उन्होंने फिर आखिरकार मेरी बात मान ली और मुझे आर्किटेक्चर करने दिया। और मुझे जी एक भी दिन ये रंजिश नहीं होती कि मैंने इंजीनियर की, मैंने डॉक्टरी क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही। तो मैंने इसको दिल की बात सुनी कि शायद यही प्रोफेशन मेरे लिए ठीक है और वो बिल्कुल सही निकला। जी दीपिका जी, क्योंकि आपने कहा कि 12 से 13 साल की उम्र में ही आपने सोच लिया था कि आपको तो आर्किटेक्ट बनना है, ये उस समय की बात है जब लड़कियों का नौकरी करना ही एक बड़ा मसला हुआ करता था, तो आपको ये काफी चैलेंजिंग रहा, परिवार का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नहीं, खैर इतनी पुरानी बात भी नहीं है, मतलब आई एम नॉट सो एंशियंट। तब तक लड़कियां, इनफैक्ट आर्किटेक्चर में सरप्राइजिंगली लड़कियां ज्यादा होती हैं नॉर्मली, दे आर मोर गर्ल्स, पर वो गलत रीजन से होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है अरे थोड़ा इजी प्रोफेशन है और लड़कियां हैं आर्टिस्टिक हैं तो वो कर लेंगी, जबकि मुझे लगता है चुनौतियां बहुत हैं यहाँ पे भी। आपको साइट पे जाके काम करवाना होता है, आपको ज्यादातर मेन से ही डील करना होता है साइट पे, कई बार आप अकेले होते हैं, कभी और टाइम पे जाना है, कहीं दूर जाना है। तो शुरू में जैसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ प्रैक्टिस भी की, तो प्रैक्टिस की अपनी चैलेंजेस हैं और उसमें आई वुड नॉट से कि लड़कियों के लिए बहुत आसान रहता है, बट हाँ आजकल बहुत औरतें हैं, बहुत लड़कियां हैं जो अपना काम कर रही हैं, जो प्रोफेशन में है या टीचिंग में है, तो आर्किटेक्चर में कई ऐसी चीजें हैं। बट हाँ मैंने काफी बदलाव भी देखा है। जब मैंने काम शुरू किया था जी तो इवन अगर आपने भी 5 साल की डिग्री की है और आपके हस्बैंड ने या पार्टनर ने भी 5 साल की डिग्री की है, हमेशा होता था कि ये आर्किटेक्ट है जो हस्बैंड है और ये इंटीरियर डिजाइनर है। अब जाके मैं देख रही हूँ कि जो औरतों को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में, जो एक जी साइट पे आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि हाँ लड़कियां भी काम कर सकती हैं, कॉम्पिटेंट हो सकती हैं, अब काफी चीजें बदल गई हैं। अब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है कि हाँ लड़कियां भी टेक्निकली साउंड होती हैं और वो भी साइट पे काम कर लेती हैं, तो इसीलिए शायद ज्यादा लड़कियां अब आर्किटेक्चर में प्रैक्टिस करना शुरू हो गई हैं। जी तो आप कह रही हैं कि आपने काफी बदलाव देखा है पहले की तुलना में और अब में काफी फर्क आ चुका है। लेकिन श्योरली दीपिका जी, श्योरली मैं ट्राई सिटी में महिला जो हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या जो उनका काम है उतनी एक्नॉलेजमेंट उन्हें मिलती है उनके काम को, या फिर वेतन के नज़रिए से देखा जाए तो क्या उनको भी पुरुषों के बराबर वेतन ऑफर किया जाता है? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, देखिए अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसे मैं ना कहीं ये एक सोच है कि जो मेल आर्किटेक्ट्स हैं शायद उनको मतलब विमेन उतनी पूरी नहीं मिलती है मेरे ख्याल से, और पता नहीं कि वो मांग भी नहीं पाती हैं। मतलब शायद औरतों में हमेशा एक ना एक शायद कॉम्प्लेक्स रह जाता है हमारे अंदर कि हम लोग बहुत ही ज्यादा, एक तो औरतें वैसे भी थोड़ा सा यू नो फाइनेंसिस के मामले में हम लोग थोड़ा बहुत लाइक बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, एक्टिव ऊपर नहीं से होते। मेल्स से पैसे मांगने, तो एक वो जेंडर वाला बायस, हाँ एक्टिव भी नहीं होते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये भी है कि बहुत बड़ा काम है तो एक मेल आर्किटेक्ट को ही तो फीमेल आर्किटेक्ट हैंडल नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो फीस भी कम देनी पड़ती है उनको, या लेते हैं वो कहना थिंग। ये चीजें कई जगह हैं।
आर्किटेक्चर के अलावा अगर आप देखें जो बाकी प्रोफेशन है, मैं उनके बारे में इतना नहीं कह पाऊंगी कि यहाँ पर ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि क्योंकि पूरी दुनिया में चीज चल रही है और चंडीगढ़ कोई अलग एक आइलैंड नहीं है, कि औरतों को अभी भी उतनी पे नहीं मिलती और उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी मेन को मिलती है। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं दिल्ली में भी थोड़े दिन रही, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, जी चंडीगढ़ ट्राई सिटी में बिकॉज ऑफ द ट्रैवल टाइम और व्हाटएवर, यहाँ पे फिर भी औरतों की लाइफ थोड़ी आसान है। जी हम करते हैं कि हमारा ट्रैवल टाइम थोड़ा कम रहता है, सहूलियतें बहुत हैं, बच्चों का स्कूल, बच्चों की टेनिस और कोचिंग और ये सब वो सब हम लोग मल्टीटास्किंग ड्राइव वाला काम करके आसान दोस्तों हो के जाता करके है। वी कैन। हाँ, दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, वहां आप देखिए वर्किंग वुमेन की हालत बहुत खराब है बेचारों की। दे हार्डली हैव टाइम एंड इट्स रियली टफ फॉर देम। आई मीन, सो वी आर लकी इन दैट सेंस कि हम एक अच्छे शहर में रह रहे हैं शायद। लेकिन दीपिका जी, क्योंकि आपने कहा आप दिल्ली में भी रही हैं, तो वहां पे क्योंकि समाज का जो दायित्व है बढ़ जाता है जब घर की औरत बाहर निकलती है, काम करती है और घर की जिम्मेदारी भी बराबर संभालती है, तो ऐसे में समाज का समर्थन ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करता है। तो आप देखती हैं अपने आसपास ऐसे समाज है कि प्रोत्साहित करता है ऐसी महिलाओं को? मुझे लगता है कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो वर्किंग वुमेन है, हम लोग दोनों तरफ से पिसते हैं। हम लोग घर में भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसी की कम नहीं होती है कि आप घर में बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे या घर का ध्यान नहीं रखेंगे या बाकी जो चीजें हैं उसका ध्यान नहीं रखेंगे। और करियर में आपसे उम्मीद रखी जाती है कि आप पूरा 100% अपना टाइम देंगे, आप बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। जैसे मैन अगर रात को रुकते हैं तो आप भी रुकेंगे, पर आपका हो सकता है बच्चा बीमार हो, बच्चे को होमवर्क कराना, उसके एग्जाम्स हैं। ये चीजें मेरे ख्याल से कॉमन है, और ये सिर्फ ट्राई सिटी की बात नहीं करूंगी, दिल्ली की बात नहीं करूंगी। तो उस सेंस में मैं कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर जगह सेम है। इट इज जस्ट कि हाँ, थोड़ा आपको अगर, पर मैं जब चंडीगढ़ में आई थी तब मैंने नोटिस किया था कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में, मोहाली में अभी भी थोड़ा सा एक रूढ़िवादी थॉट है, थोड़ा कि अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत ही अजीब सी बात है कि आपको थोड़ा नीचे दिखाया जाता है कि लाइक, ओ तुम तो घर का, तुम्हें क्या पता घर पे क्या हो रहा होता होगा, तुम्हें क्या पता बच्चे कैसे वगैरह। जबकि हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने बच्चों को पूरा खुद पढ़ाती हूँ, कभी उन्होंने ट्यूशन नहीं लिया है, सारा उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैंने ली है और बाकी चीजों की भी। तो थोड़ा मुझे उल्टा दिखा यहाँ पे कि दिल्ली की बजाय चंडीगढ़ में या जनरली पंजाब में वर्किंग वुमेन के अगेंस्ट बायस है, कि एज इफ कि आप अपने शौक पूरे करने के लिए, अपना ख्वाब पूरा करने के लिए आप अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। तो वो बहुत ही कोफ चढ़ती है कई बार कि हम तो डबल मेहनत कर रहे हैं और हमको फिर ये सुनना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। उसके अलावा दीपिका जी, ये तो चलो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन एक लार्जर जब हम तस्वीर बड़ा करने की कोशिश करते हैं, महिला सुरक्षा की जब हम बात करेंगे, तो आप क्या महसूस करती हैं कि ट्राई सिटी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? अभी हाल ही में जो 6 साल की बच्ची के साथ जो मसला सामने आया, जो दुर्घटना हुई है, ये क्या सोचने पे मजबूर करती है? देखिए, ये है, हम लोग को ना एक्चुअली चंडीगढ़ को हम जो सिटी ब्यूटीफुल बोलते रहते हैं, तो हम लोग कई चीजें ना छुप जाती हैं, जी वो गार्डन और लेक और उसके पीछे। पर अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, तो मैं अभी किसी से बात कर रही थी कि एक्चुअली चंडीगढ़ का जो रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो बहुत हाई है। अगर आप एक्चुअल में अगर कंपेयर करेंगे बाकी सिटीज से, बाकी मेट्रो से, इट इज सरप्राइजिंगली हाई। अब हमको लगता है कि यहाँ तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और ज्यादातर लाइक एफ्लुएंट लोग हैं व्हाटएवर, पर सिचुएशन ऐसी नहीं है। और मुझे कहीं पे ये भी लगता है कि जो, इसीलिए हम लोग तो खैर एज विमेन हम जो अनसेफ हैं, हमारी लड़कियां भी, हम लोग उनको इतना संभाल के रख रहे हैं, बिकॉज हर बार जब ऐसा कोई केस होता है आप और चिंतित हो जाते हो, आप और अपनी बच्ची को और पीछे कर लेते हो, नहीं नहीं अकेले नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बेटे बेटे बेटी को साइकिल पे नहीं भेजना। ये मुझे भी आजकल, आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू उठाया है, इसीलिए लड़कियां रात को नहीं काम कर पाती। रात को यहाँ पे ट्रैवलिंग इज नॉट सेफ। मेरी खुद की दो नीस है, मेरी सिस्टर की डॉटर्स जो दिल्ली में जॉब कर रही हैं, वो लोग 11 साढ़े 11 कैब में आते हैं, उनको यहाँ तो हम, मैं खुद ना हिम्मत करूँ मतलब आने की। तो एक्चुअल में मुझे अभी रियलाइज होना शुरू हुआ है कि शायद चंडीगढ़ और ट्राई सिटी इतना सेफ है नहीं जितना हम लोग सिटी ब्यूटीफुल जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही बहुत ही आइडियल सी जगह है। बट ये बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है यहाँ पे, बहुत सीरियस इशू ये बनता जा रहा है, सिक्योरिटी ऑफ विमेन, विमेन एंड गर्ल्स बोथ, और उससे लड़कियों की डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। जी, तो दीपिका जी, आपको लगता है कि जो पुलिस का काम है वो इधर उतनी सीरियस नहीं दिख रही है? बार बार ऐसे जैसे वर्कशॉप्स लगाने चाहिए, वैसे वो नहीं किए जाते, अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही है, इन सब जो सरकारी चैनल्स या मीडियम्स की कमी आपको लगती है इसमें? देखिए, अब इसमें एक्चुअली मैं अब बताती हूँ, ये जो द प्रॉब्लम ऑफ हैरेसमेंट है, जो विमेन की हैरेसमेंट है,
इट इज अ वेरी लार्ज इशू। ये आपको बताती हूँ ये कहाँ से शुरू होता है, ये आपकी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है कि क्या लड़के लड़कियों की फ्रीडम हैंडल कर पा रहे हैं, क्या लड़के ये चीज देख पा रहे हैं या आदमी हैंडल कर पा रहे हैं कि औरतें उनसे आगे निकल रही हैं। उनका हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है कि फैब्रिक, अब आप देखिए 12 साल का लड़का इस केस में इन्वॉल्व था। अब इसमें पुलिस का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, पर आप फैमिली स्ट्रक्चर देखिए, आप सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखिए, है ना। उसको तो अभी कोई इन्फ्लुएंस करने भी नहीं, यू कांट से कि उसमें कुछ वो कि बहुत उसको कोई इन्फ्लुएंस कर पाया, वट एवर। आई थिंक इट इज अ लार्जर प्रॉब्लम। हम लोग पुलिस को डेफिनेटली, पुलिस का डर शायद लोगों में से हटता जा रहा है, तभी इतने हैरत अंदाज कैसे होते हैं कि रेप भी हो रहा है, उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसको आप सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, मतलब आपको डर ही नहीं है कि आप पकड़े जाओगे। तो वो सब कब होता है, जब पूरी कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी हम लोग फेल होते हैं, जब लड़कों को लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं सिखाई जाती है, जब लड़कियों को सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जाता। एक जो चीज मैं बहुत बार इनके स्कूल में भी बोल चुकी हूँ कि लड़कियों के लिए कंपलसरी होना चाहिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस, कहीं ना कहीं। आई एम नॉट सेइंग कि उनसे 100% प्रोटेक्शन हो जाएगी उनकी, बट कहीं ना कहीं कुछ लड़कियों को सशक्त बनाना पड़ेगा हमको, उनको हमें वो टूल्स देने होंगे कि वो अपने आप को बचा पाए अगर हो सके। एंड अब जैसे आप इनफैक्ट देखना, जब भी आप एक छोटे लड़की का केस देखेंगे या पड़ोसियों ने आके कुछ कर दिया, इसमें बहुत अजीब चीज है दैट द मदर इज यूजुअली वर्किंग। अब एक बेचारी जो लोअर मिडिल क्लास की औरत है, जो लोअर क्लास की औरत है, वो अपने घर में मेड नहीं रख सकती है बच्चे की देखभाल के लिए, उसको अपनी बेटी को अकेले छोड़ के घर पे जाना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे कह रही हूँ एज अ सोसाइटी तो मे बी क्रेश होने चाहिए, एक सेफ जगह होनी चाहिए जहाँ पे वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को छोड़ के जा सके। इट्स अ वेरी लार्ज प्रॉब्लम, इट इज नॉट, हाँ वो सेफ जगह हो। इसमें सिर्फ पुलिस को हम ब्लेम नहीं कर सकते, हाँ पुलिस का डर होना चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए, उनको सेंसिटिव होना चाहिए, उनको रैपिड एक्शन लेना चाहिए और अच्छा एक्शन लेना चाहिए। बट एज अ सोसाइटी हमें भी टटोल के देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों होता जा रहा है। तो जैसे दीपिका जी आपने कहा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो वर्किंग लेडीज है वो अपने बच्चों को छोड़ सके और बिल्कुल उनकी सुरक्षा की कोई चिंता उन्हें ना रहे, तो ऐसे में सरकार भी फेल रही है इस लेवल पर। कोई एक ऐसा सेंटर अवेलेबल नहीं है ट्राई सिटी में जहाँ कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ सके और सुकून से काम पे जा सके। अगर आप सरप्राइजिंगली अगर आप देखेंगे ना, ऑन पेपर सब कुछ है, ऑन पेपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें शायद 50 या 40 ऐसा कुछ नंबर है, उससे ज्यादा अगर औरतें हैं, तो वहां पे क्रैश बनाना कंपलसरी है, यू हैव टू मेक अ क्रैश ओवर देयर, पर वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे हैं इनके, हाँ, पर कोई इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। मतलब कोई मैं अगर आंकड़े की बात ही करूं, मुझे जो साइट पे जो औरतें काम करती हैं, जो मजदूर काम करती हैं, जो लेबरर होती हैं, वो और उनकी जो डॉटर्स हैं, मुझे आई एम श्योर देर इज सो मच ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा होता है वहां पे, जो हमको पता भी नहीं होगा शायद। तो मतलब औरतें जो काम कर रही हैं, उनकी और उनकी फैमिली की, उनके घर के बच्चों की सेफ्टी, एज अ सोसाइटी हमको वी विल हैव टू स्टार्ट रेजिंग दिस इशू कि नहीं, हमें क्रेश चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स चाहिए, हमको वो सब चीजें चाहिए। तो वो तभी चेंजेस आ पाएंगे, तभी लड़कियां सेफ हो पाएंगी शायद। तो आपको दीपिका जी, क्योंकि आज पूरा देश मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, जगह जगह जो वेमेन अचीवर्स है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कार बांटे जा रहे हैं, तो ये सब क्या सिर्फ एक दिखावा होता है कि आज के दिन फोटो खींचनी चाहिए और तमाम प्लेटफॉर्म से छपनी चाहिए या वीडियोज सामने आनी चाहिए, और जो धरातल पे जो काम करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है? टू अ लार्ज एक्सटेंट यस, मैं मतलब ये मानती हूँ कि सरप्राइजिंगली कई बार वही लोग जो आपको रोक रहे होते हैं, वही लोग जो आपके अगेंस्ट जा रहे होते हैं, वही आपको एक दिन सिर्फ फैसिलिटेट करके, आपको फूल देके, आपको कुछ करके खुश कर देते हैं, अपनी फोटो एज यू आर सेइंग कि आजकल तो सब कुछ मल्टी मीडिया के ऊपर ही हो गया कि आप बस फेसबुक पे फोटो डाल दीजिए कर दीजिए। एक्चुअल जो ग्राउंड पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एंड हम चाहे जो मर्जी बोल लें कि नो नो एवरी डे इज वुमेन्स डे और एक दिन तो नहीं होता औरतों का, आई एग्री, एवरी डे इज अ स्ट्रगल। एंड इसमें आई वुड लाइक टू से कि सी, स्ट्रगल सिर्फ औरतें नहीं कर रही, आदमी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि अगर औरतों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, अगर उनको आप थोड़ा सा लाइक टाइम मैनेजमेंट या उनको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, उससे आदमियों की भी लाइफ इंप्रूव होती है, पूरी सोसाइटी इंप्रूव होती है। द बॉटम लाइन इज कि अगर आप कोई भी स्टडी देखें, हम ये नहीं कह रहे कि हमको सिर्फ औरतों की जिंदगी को बिल्कुल सुकून से भर देना है और आदमियों को कुछ नहीं देखना। द सबसे जो बड़ी चीज जो लोग नहीं समझते हैं कि अगर आप औरतों को एम्पावर करते हैं, औरतों की लाइफ अच्छी करते हैं, उसका पूरा परिवार, उसके इन लॉज, उसके खुद के पेरेंट्स, उसका खुद का हस्बैंड, वो सबके लिए सब कुछ कर पाती है।
जी चाहे वो छोटी सी चीज है, चाहे वो क्रेश वाली चीज है, चाहे उसको ये बोला जाए कि चलो तुम 2 छुट्टी एक्स्ट्रा ले सकती हो, या तुम कुछ अगर बच्चा बीमार है तो आपकी पे नहीं कटेगी, जो भी है, अगर आप औरतों को या उनको आप ट्रेन करते हैं कि आप और अच्छी ट्रेनिंग लो, आप और अच्छी जॉब में जाओ, पूरी सोसाइटी का उससे बढ़ावा होता है, सिर्फ औरत का बढ़ावा नहीं होता, पूरी सोसाइटी वैसे ही आगे बढ़ती है। पर ये तो वो सोसाइटी नहीं है जो कहती है कि आप अपने शौक के लिए नौकरी पर जा रहे हैं, आप अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं। ये देखिए, पर अगेन आई वुड से कि कई लोग शायद मेरे को कह पाते हैं, पर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में या मेरे म्यूजियम में कोई पीएन है या कोई रिसेप्शनिस्ट है, आई एम श्योर वो तो बेचारी शौक के लिए काम नहीं कर रही, उसकी तो जरूरत है कि 2 बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीस, उनकी ये फीस, तो ये सिर्फ कुछ लोगों को बोला था जिनका उनको लगता है अरे तुम्हारा हस्बैंड कमा तो रहे, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की। तो जी मतलब कई बार ऐसे भी अटपटे सवाल लोग पूछते हैं कि आपको क्या जरूरत है काम करने की, तो भाई मेरा भी अस्तित्व है, मेरे में भी कोई भगवान ने टैलेंट दिए हैं, इफ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, इफ आई कैन वर्क, इफ आई कैन हैव माई ओन आइडेंटिटी, इफ आई कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर मैं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। जी क्योंकि चाहे आप, मैं तो ये मानती हूँ कि चाहे आप किसी बिजनेस फैमिली में आपकी शादी हुई है, आप जितना मर्जी अमीर फैमिली में शादी हुई है, आपका अपना सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए, चाहे आपकी जो मर्जी स्टेटस है, बिकॉज लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है, जी जो अभी सर्कमस्टेंसेस में पता नहीं कब चेंज हो जाए। तो हर औरत को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे मुझे जरूरत है या नहीं है, मैं जी अपनी और मे बी अपने बच्चों की भी देखभाल कर सकती हूँ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे डिपेंड होना चाहिए, मतलब यू शुड नॉट हैव टू, आपको किसी से पैसे, अनलेस बहुत मजबूरी है, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, आपको किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेसिकली। जी दीपिका जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और समय कम रह गया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी जिस संदेश के आधार पर अपने जो चुनौतियों हैं अपने लाइफ की, अपने जीवन के संघर्ष का सामना करती आई हैं, वो क्या एक मूल मंत्र हैं जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? बहुत अजीब सी बात है जो विमेंस डे पे कहने के लिए, बट मैं जी अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं मानती हूँ, जबकि मैं जी वर्किंग हूँ व्हाटएवर, जी मुझे क्योंकि बहुत शुरू में रियलाइज हो गया था कि आदमी और औरत इक्वल नहीं हो सकते, हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं बहुत डिफरेंट है, जो जो एक माँ कर सकती है, एंड इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ फादर्स, वो फादर्स नहीं कर सकते, एंड जो फादर्स कर सकते हैं वो मदर्स नहीं कर सकती। दोनों की खूबी अगर है। मैं खुद, हाँ दोनों की खूबियां होती है, दोनों का बहुत स्ट्रांग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बच्चे के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक नॉट जस्ट मैरिज के लिए पर सोसाइटी के लिए भी, औरतें गलती ये करती हैं कि वो फेमिनिस्ट होने के उसमें कि नहीं मुझे तो इक्वल टाइम देने के, अगर मेरा हस्बैंड 8 o'clock घर आ रहा है तो मैं भी 8 o'clock घर आऊंगी, नहीं, कई चीजें ऐसी हैं जो औरतें ही कर सकती हैं, जो हमारे अंदर कंपैशन है, जो हमारे अंदर एक लोगों को ट्रीट करने का तरीका है, हमें वो एक भूलना नहीं मदरली चाहिए। अगर मैं नेचर बॉस जो हूँ, भगवान ने दिया हमें। एग्जैक्टली, जी अगर मैं बॉस हूं तो मुझे एक आदमी की तरह बॉस बनने की जरूरत नहीं है, मैं एक औरत बन के भी एक अच्छी बॉस बन सकती हूँ, मुझे वैसे ही डांटना डपटना वो सब नहीं करना, आई कैन बी सेंसिटिव, आई कैन बी रिस्पॉन्सिबल, आई कैन सेट ए गुड एग्जाम्पल, पर मुझे मतलब औरतों को आदमी बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, औरतों को अपने आप में ही बेस्ट जो वो बन सकती हैं, जी और औरतों को उठाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको हेल्प करने की अपना टाइम याद करना चाहिए कि हाँ जो प्रॉब्लम मुझे आई थी वो मैं अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ। तो आई थिंक औरतों को इक्वालिटी से ज्यादा इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम रियलाइजिंग कि वी आर यूनिक, और हमको हर एक की तरह बनने की जरूरत नहीं है, शायद हमको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। अपनी खुद की स्ट्रेंथ पहचाननी चाहिए और उसी को पॉलिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जैक्टली, जी हाँ, दीपिका, रादर देन दीपिका कम्पीटिंग विद जी मेन, मतलब जी आजकल मैं लड़कियों को देखती हूँ, जी प्लीज नहीं बिल्कुल, हाँ आई एग्री विद यू जी, जी आई एम सेइंग दीपिका कि जी, आप आजकल कुछ जैसे कह रही मॉडर्न थी। होने का लड़कियां गलत निकाल लेती हैं। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि आजकल जैसे मॉडर्न होने का जो लड़कियां कई बार मतलब निकाल लेते हैं कि वी शुड ऑल्सो स्मोक, वी शुड ऑल्सो ड्राइव फास्ट, वी शुड ऑल्सो ड्रिंक, आई डोंट थिंक दैट इज इक्वालिटी, तो वो मतलब थोड़ा सा भी हैव टू बी केयरफुल कि इक्वल बनने का मतलब क्या होता है, दैट्स इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी। तो हमारे साथ थी दीपिका गांधी, जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और किस तरह से आर्किटेक्ट की दुनिया में उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की, और वो कहती हैं कि हमें महिलाओं को पुरुष बनने की जरूरत नहीं है, महिला महिला बनकर ही अपना समाज के प्रति जो दायित्व है निभा सकती है और काफ़ी आगे बढ़ सकती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।